आज की इस वीडियो में हम पुदीना पौधे के बारे में बात करेंगे कि उसको आप जल्दी से जल्दी घना कैसे करें और बड़ा कैसे करें, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। फ्रेंड्स, पुदीना जो है गर्मी में बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करता है। इसकी जो ग्रोथ है गर्मी में ही बहुत ही ज़्यादा होती है, साथ में रेनी सीजन में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने जो है आटे की पॉलिथीन में लगाई है। आप इस प्लांट को छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके रूट्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं फैलते हैं। आप इसको जो है रेक्टेंगल टाइप के पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से उसमें फैलता है। तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए, गर्मी के सीजन में इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। इसकी जो तासीर होती है बहुत ही ठंडी होती है, तो गर्मी में हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो आप भी अपने गार्डन में पुदीना लगाइए, ये ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से। तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात के मौसम में इसकी जो कटिंग है बहुत ही ईजिली लग जाती है। फ्रेंड्स, पुदीना जो है हमारे लिए बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप अगर चाहते हो कि इसको घना करें तो एक छोटा सा काम करना है फ्रेंड्स, इसकी जो है हमें प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इसके जो स्टेम होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसकी जो है हम प्रूनिंग करेंगे पिंचिंग। पिंचिंग करने से क्या है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा घना होता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, टिप से इसकी आप पिंचिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे करने से क्या है, हमारा जो ये पुदीना है और भी ज़्यादा घना हो जाए। तो आप पुदीने का लालच नहीं किया करिए, आप इस प्लांट की जो है सॉफ्ट प्रूनिंग हमेशा करते रहिए, तो ये इससे हमारा जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपके पास अगर ज़्यादा पुदीना है तो आप इसे इकट्ठा करके स्टोर करके ड्राई करके पाउडर बना के रख सकते हैं। ये हमारे किचन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज इसकी मतलब पुदीने को पूरे तरीके से काटने वाली हूँ। इस तरीके से हम पूरा काट लेंगे इसे। आपके पास भी अगर ज़्यादा हो गया है, फैल गया है, तो अभी बरसात का सीज़न है, आप इसे पूरा मतलब काट दीजिए। काटने से क्या है, ये हमारा और भी अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ही तेज़ी के साथ तभी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो आप इसको काट के आराम से अपने किचन में ड्राई पाउडर बना के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, इसको जो है अपने किचन में यूज़ करती हूँ। इसको सुखा कर इसके लीव्स को, मतलब एक एक लीव्स को हमें तोड़ना है, तोड़ के ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप इसको धूप में नहीं सुखाइए, आप इसके लीव्स को जो है एक एक लीव्स को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद किसी भी कंटेनर डब्बे में जो है करके, या जो कपड़े की पॉलिथीन होती है उसमें करके आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या है, इसका मॉइस्चर जो है अपने आप मतलब खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से वो हमारा देखने में भी एकदम ग्रीन जैसा होता है और उस पुदीने का जो फ्लेवर है उसमें अच्छे से रहता है। तो आप इसे धूप में नहीं सुखाइए, फ्रिज में रख दीजिए, वो अपने आप सूख जाएगा। सूख जाने के बाद इसका आप पाउडर बना के रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप पराठे में, करी में, छाछ में, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पुदीने का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। पुदीने का एक और फायदा है फ्रेंड्स, अगर आप इसे अपने बालकनी में लगाते हैं तो आपके बालकनी में जो है मच्छर नहीं आते हैं। जैसे हमारा लेमन ग्रास होता है तो उसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं, विंडो के पास रहते हैं तो घर में नहीं आते। इसी तरीके से सेम पुदीना का भी पौधा जो है काम करता है। तो आप अपने घर में एक पुदीने का पौधा जरूर लगाएं, इसकी जो है तेज गंध होती है इसलिए मच्छर भी नहीं आते हैं आसपास। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।